कभी बब्बल दाना में चोरी तो कभी चीका में चोरी, कभी डंडोता में चोरी तो कभी कैथल में सीरियल चोरी, तो कभी लूट की वारदात या फिर चीका में अन्य तमाम चोरी। इन चोरी की वारदातों को देखते हुए यह लग रहा है कि हरियाणा भर के तमाम चोर कैथल ज़िले में आ चुके हैं, या यूँ कहें कि कैथल ज़िले की पुलिस से डर खौफ ख़त्म हो चुका है। जी हाँ, चोरों ने बीते मंगलवार रात को एक और मामले को अंजाम दिया है। इस समय हम मौजूद है कैथल के गांव ग्योंग में, जहां पर पीएनबी प्रशिक्षण केंद्र में चोरों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। देखिए हमारी यह पूरी रिपोर्ट। मेरा नाम विक्रम सिंह, सरपंच ग्योंग जी। क्या कुछ मामला है और आपको कैसे जानकारी प्राप्त हुई? सर, मैं सुबह घर से ट्रैक्टर लेके खेत के लिए जा रहा था। मेरे पास स्टेडियम में लेबर लगी हुई है, उन्होंने ट्रैक्टर रखवाया, मेरे को बोला भैया ऐसे ऐसे हैं, लैपटॉप पड़ा हुआ है, ठीक है। फिर मैंने वो लैपटॉप देखा, और इतने मेरे पास अंकल का फ़ोन चला गया, जो अंकल है यहाँ वॉचमैन, बोले ऐसे ऐसे सरपंच साहब यहाँ कागज़ बिखरे पड़े हैं, आना मैं यहाँ आया, मैंने वहाँ लैपटॉप देखा, पहले तो वहाँ कुछ कागज़ देखे मैंने बैंक के, पीएनबी के, मैंने एकदम ही सर के पास फ़ोन किया, मैं सर ऐसे ऐसे आपका लैपटॉप और ये कागज़ पड़े हैं। फिर मैंने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस आई और अपना अभी देखने लग रहे हैं क्या क्या हो यहाँ से उठा। पुलिस के द्वारा प्राथमिक कार्रवाई क्या की गई? सर पता क्या, पुलिस के द्वारा कार्रवाई पुलिस करेगी, हम लिखित में देंगे उनको, एप्लीकेशन देंगे, हम मेयर सर जाएंगे वहाँ, एप्लीकेशन दे के सीसीटीवी फुटेज चेक करा के जो भी आदमी पाया जाएगा उसके ऊपर हम कानूनी कार्रवाई कराएंगे। किसी व्यक्ति विशेष पर संदेह हुआ? नहीं, अभी कोई सर किसी व्यक्ति विशेष पर कोई संदेह नहीं है, अभी हम चेक करें सीसीटीवी फुटेज के अनुसार चेक करके फिर हम अपना। धर्मेंद्र कथूरिया। क्या मामला है पूरा? मामला ये है कि सुबह 8:30 बजे मुझे फ़ोन आता है सरपंच साहब का कि मेरे को आपके वॉचमैन ने बुलाया है और यहाँ पे कोई चोरी का अटैम्प्ट हुआ है। तो मैं कहाँ पर सर? ये ग्योंग में, आरसेटी में, पंजाब नेशनल बैंक के ट्रेनिंग सेंटर है ग्योंग में, ठीक है। तो वहाँ पे तो मैं फिर अपने स्टाफ को फ़ोन किया, फैकल्टी को, उसके साथ मैं यहाँ पर आया। तो यहाँ पर आए तो देखा है कि अलमारी खुली हुई है, कागज़ भी बिखरे हुए हैं। तो उसके बाद पुलिस को भी सरपंच ने फ़ोन कर दिया, तो पुलिस भी आई है, वो भी अपनी जांच पड़ताल कर रही है। अभी हमें कई कागज़ इधर उधर बिखरे हुए पाए हैं, अभी उसमें एक लैपटॉप भी यहाँ से निकला हुआ मिला है, लेकिन वो पास के जो प्लेग्राउंड है तो वहाँ पे पाया गया, वहाँ पे जो लेबर लगी हुई थी तो उन्होंने रिपोर्ट किया भी कोई चीज़ पड़ी है यहाँ पे लैपटॉप जैसी, तो उन्होंने सरपंच को बताया, फिर वहाँ जाके देखे तो वो वहाँ से बरामद हुआ है। लैपटॉप के अलावा कोई नकदी वगैरह भी? ना, नकदी यहाँ, क्योंकि ये ट्रेनिंग सेंटर है, ये ब्रांच नहीं है बैंक की, तो यहाँ पे नकदी नहीं रखते हैं। सर कोई सीसीटीवी फुटेज की कोई कैमरे लगे हुए? कैमरे लगे हुए हैं सीसीटीवी में, हमारे लगे हुए हैं रूम में, सभी में लगे हुए हैं जिसमें चोर सामने आया। तो उसमें से अभी कोई उसमें आया हुआ है, लेकिन वो उसकी पहचान नहीं हो पा रही है अभी कौन है वो, तो पुलिस अपना चेक करेगी, अपने रिगार्ड से चेक करेगी, अगर उनको लगता है ये कौन है तो पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी और उसको गिरफ्तार करेगी। एफआईआर दर्ज करवा दी है? अभी नहीं करवाई है, अभी तो प्राथमिक तौर पे जस्ट इन्फॉर्म किया है, तो राइटिंग में अभी एफआईआर उनको देनी है। पिछले लगभग 7 सालों से युवा, समाज सेवी और महम के वर्तमान विधायक बलराज कुंडू ने महम हलके की बहन बेटियों को घर से कॉलेज तक आने जाने के लिए मुफ्त और सुरक्षित बस सेवा को उपलब्ध करवाकर हजारों जरूरतमंद बहनों को शिक्षित होने में सहयोग किया है। ये मंच ही नहीं, हथियार है व्यवस्था परिवर्तन का।